मना थोड़ी किया है मैंने। तारीख 11 फरवरी 2023 समय हो गया 10:38 AM। मेरे सौदों को लेकर के बहुत से लोगों को मन में जो है ना, जैसे अभी पाकिस्तान में भी एक जज साहब हैं, कल परसों उनसे बैठ के बात हो रही थी तो करे इंटरव्यू, जब नजारत की बात आई, डॉक्यूमेंट शो किए, कह रहे देख लेंगे भाई तेरी नजारत को भी। जनाब ऐसा है, मेरी एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्शन करने से पहले 100 बार सोच लेना, जेब में पैसा है ऑब्जेक्शन करने का? ये बिजनेस के सौदे हैं, आए ऑब्जेक्ट कहने से पहले 100 बार सोच लेना अदालत में, 100 बार सोच लेना, 100 बार। जिन सौदों को आप चैलेंज करने की सोच रहे हो ना, 80,000 टन गोल्ड में सौदा हो रहे हैं, ये 80,000 टन गोल्ड रिजर्व रखा है मैंने, और किसी के बाप की बपौती का पैसा नहीं रखा है मैंने, मेरा अपना पर्सनल है। सोच समझ के बात करना, सोच समझ के, ये नहीं कि मीडिया में माइक और कैमरा मिल गया, फोटो खिंच गई और बोलना शुरू। आप किसी भी ओहदे पे हो, भले आप जज ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आप मेंशन में ही क्यों ना हो, उठा के बाहर फेंक देंगे। आप शायद एक बात भूल गए, मेंशन में मैं ग्रैंड मास्टर हूं, आप शायद भूल गए इस बात को, समझ में आई? आज मैं आपको कह रहा हूं ना सर, पाकिस्तान में हैं आप, बहुत खुशी की बात है। मीडिया में बैठ के जो ये कह रहे हो ना कि ये नजारत का गेम, ठीक है कि ये पर्चे दिखा दिए तो पैसे का खेल है, बिल्कुल है पैसे का खेल, 100% पैसे का खेल है, समझ में आ गई? खरीद फरोख का खेल है, बिल्कुल है सर। बिजनेस सौदे में अदालत में ऑब्जेक्शन करने से पहले, कोई भी ऑब्जेक्शन लगाने से पहले सोच लेना कितने बड़े सौदे को चैलेंज कर रहे हो आप। ये नहीं कि एक उठाई गिरा वकील आ करके पर्चा रख दे जी, 10 रुपए की स्टैंप लगा करके कि जी मैंने ऑब्जेक्शन किया। बिजनेस देख लेना भैया वैल्यू क्या है। अगर मेरी कही भी, आपने तो नहीं कहा ना किसी ने मीडिया में पहले, पहले बात मेरी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट अदालत में, भाई ये बंदा कह रहा है रेलवे इसकी है, इसने खरीदी है और ये कागज इसने शो किया, आप ऑब्जेक्शन करोगे पैसा रख देना, समझ में आई? मीडिया में अगर चैलेंज किया ना, 50 लाख करोड़ की पेनल्टी है, पिछली पेनल्टी तो ये दे नहीं पा रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गाने डिलीट करने की, समझ में आई? धीरे धीरे देखो ना क्या होता है। अभी सर 2020 से मैंने काम करना शुरू किया, तो जब बिहार में काम कर रहा था तो इन्होंने का एजेंसी का शब्द डाल दिया होशियार सिंह के थ्रू। अरे जनाब जाओ आप काम करो, क्यों खामखा हमारा दिमाग खराब कर रहे हो? 50 लाख करोड़ की पेनल्टी है, पैसा रख देना फिर चैलेंज करना, हमें कोई मतलब नहीं है। और आप सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने कहा ना संसद भवन में बैठे हैं, हमें निकाल के दिखा, बताएंगे अभी आपको, आप चिंता ना करो, मैं असली वाला हूं, समझ में आई? पॉलिटिक्स सब जगह पे बढ़िया, कितनी पब्लिक है, 2.5 लाख से ज्यादा लोग नहीं हो आप। और अगर कोई भारत में ये सोच रही हो ना महिला कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है, तो मैंने अभी ऑर्डर दिया है भारत और पाकिस्तान में नई पीएस का सिलेक्शन हो रहा है, पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है, PS2 हितेश, हितेश रे वन, मैं नहीं जानता आप में से किसी को भी, समझ में आ रही है? क्योंकि जो काम होने हैं वो मेरे तरीके से होंगे, जो कहा वो सुनिए, सीधी सुथरी बात है, कोई मैं नहीं जानता किसी ऐश्वर्या राय वगैरह को, जाइए मैडम, साफ सीधी सी बात है, जो कहा वो किया, मैंने जो चीज कही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, जारा है वो अपना काम संभाल रही है, जारा के मन में होगा काम कंटिन्यू नहीं करें, नहीं करना है मत कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपसे, ठीक है, जो सौदे हमने किए उन सौदे को हम रिटेन करना भी जानते हैं, फोर्सेस है या नहीं है वो मैं जवाब दूंगा, और सिक्योरिटी फोर्सेस में खड़े हुए वो भैया आप हाथ में टेवोर लेके जो आप कह रहे हो ना, ठीक है, इनको तो हम संभाल लेंगे, हम बात करेंगे, जो कह रहे हैं ना नजारा, तो इसको तो इधर रख, 50 लाख करोड़ की पेनल्टी है, फिर चेतावनी जारी कर रहा हूं,
50 लाख करोड़। समझ में आ गई? पहले बोल दे रहा हूं, फिर मत कहना, और वसूल लेंगे 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट में। कहीं ये कोई कोई सीबीआई वाला बन रहा हो, कोई आईबी बन रहा हो, बेटा उस आई कार्ड की ना औकात नहीं है जो तू दिखा करके मेरे को चैलेंज करने की सोच रहा है। रख अपने पास, मेरी अपनी कंपनियां है, मेरी अपनी इंटेलिजेंस है। समझ में आ गई? जेएसआर इंटेलिजेंस का नाम सुना है? जेएसआर इंटेलिजेंस का नाम सुना है? इतना नहीं सुनते हम? साफ सीधी सी बात है, साफ सीधी सी। और एक मैडम है राबी पीरजदा, आपको भी कहा है, आपको संभालना है, काम कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, सिंपल है। हम तो बोलेंगे ही नहीं, क्यों? 2 महिलाओं की वजह से मैं कोई कंगला तो हुआ जा नहीं रहा हूं। राबी पीरजदा भारत में, और नहीं नहीं सलमा बेगम नाम है इनका, और जारा जो है पाकिस्तान में। कितना खर्च होगा मेरा? 1 लाख करोड़ रुपया नहीं खर्च कर पाएगी वो अपने अपने आने वाले जीवन में, 1 लाख करोड़ रुपया नहीं खर्च कर पाएगी। ये 50,000 करोड़ रुपया खर्च कर लेगी राबी पीरजदा? नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्यों? यहां जो कह गए थे, ये इसका क्या नाम है, अभी नाम बताता हूं बंदे का। मैं नाम बताता हूं इसका, कुमार विश्वास, ये जो कविता पढ़ते हैं। हाँ जी भैया, क्या बात हो गई? पैसे का खेल है भाई, कंगले और भिखारी नहीं खेलते ये खेल, कंगले और भिखारी नहीं खेलते हैं ये खेल। समझ में आ गई? अगर कानून की भाषा नहीं समझता है ना, तो बंदूक के ऑप्शन भी खुले हुए हमारे पास। और तू सुनो ए, टेवोर मास्टर, तेरे से तेरी टेवोर ले ली गई ना, चल निकल, चल निकल। मुझे क्या मतलब है, संसद भवन का किराया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया हुआ है मेरे से, बिल्कुल किया हुआ है। संसद भवन और बिल्कुल राष्ट्रपति भवन का किराया साइन किया हुआ है। ये मत सोच वहां बैठ करके मल्लिकार्जुन खड़गे तू ये सोच रहा हो ना, जाके पता तो कर एक बार। अबे किराया, किराए पे ले रखा है मेरे से, क्या बात कर रहा है तू, क्या बात कर रहा है तू। और जिन जगहों पे आ रहा है जा रहा है ना, सोच समझ के बात करना बेटा, मारेंगे बहुत। अगर रेलवे में खड़े होकर के किसी ने मुझे चैलेंज किया और मुझे गाली दी ना, मारते बहुत हैं। नियम पता है क्या है मेरी टीम में, सिर्फ मेरे बारे में कुछ नहीं सुनना, वरना टीम से उठाकर बाहर फेंक देंगे। पहला और आखिरी नियम है ये। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये सोच रहा हो ना कि हम तो संसद में बैठे हैं, एक बार जरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछियो जरा कि हाँ जी ये क्या रियलिटी है संसद भवन की, मालिकाना हक चेंज हो गया है, सिर्फ मालिकाना हक। मुझे क्या लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैच कर रही है, जब तक खींच सकते हैं खींचेंगे, वरना दिन ब दिन कर्जे में जाएंगे, दिन ब दिन। क्योंकि डेमोक्रेसी का खेल ये खेल रहे हैं, खेलो, मुझे क्या मतलब, मेरा रेंटल आ रहा है, चलाओ, भेजो रेलवे में पब्लिक, किसने रोका है? किसने रोका है? पैसा मेरा है, आप लोग चलाते रहो, पॉलिटिकल पार्टी में आओ, नेता बनो, पॉलिटिकल पार्टी मैंने खरीदी,
समझ में आ गए नियम बेटा, सैलरी भी नहीं लेने दूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी में हो तो वहां से मिलने वाली सैलरी भी मेरी पॉलिटिकल पार्टी में आएगी, ये भी तो कहा मैंने, बन नेता वरना नहीं रहने दूंगा। एक जनता दल यूनाइटेड बची है पार्टी ज्वाइन करनी है ना, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है तो जनता दल यूनाइटेड में जा, उड़ता तीर नहीं लेते हम, समझ में आ गई, उड़ता तीर नहीं लेते, इसलिए जनता दल यूनाइटेड नहीं खरीदी हमने, नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी, जा यहां से, समझ में आ गई। पर बचा उसके पास भी कुछ नहीं है, तुम अगर सोच रहे हो ना भारतीय जनता पार्टी में नेता बन गए, बेटा साइन करवा रहा हूं, सैलरी नहीं दूंगा, यहां जमा करा, पॉलिटिकल पार्टी में सैलरी मेरी पॉलिटिकल पार्टी से बना है नेता, सैलरी यहां जमा करा, चल हम बताएंगे तुम असली खेल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जितने नेता बने हैं ना, सैलरी वहां जमा कराओ, क्या बात कर रहे हो, नेता बन गए तो पब्लिक के सीने पर चढ़ के नाचोगे क्यों, हम बताएंगे ना खेल कैसे खेला जाता है, अब समझ में आ गई, कहां गई सैलरी, ओए मोदी जमा कराई ना, चल और नहीं तो रिजाइन कर पार्टी से, क्या क्या लिखा था, पहले देश लिखा था, फिर पार्टी और फिर मैं, चल बे देश चला, बिल्कुल सही है, पार्टी में सैलरी लेके अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो मिल रही है, समझ में आ रही है, उसके बाद मैं बचे तो लियो, मैं कमा के दिखाऊंगा ना, मेरे से ज्यादा पैसा कमा लोगे तुम, चलो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मैंने खरीदी, चलो राहुल गांधी कोई पेंशन नहीं, चल इधर महीने के 7,000 रुपए मिलेंगे सिर्फ, समझ में आ गई, सरकारी बंगला भी मिल रहा है, सब कुछ है, चला मैं बताऊंगा ना तुम्हारी अकल कैसे ठिकाने लगाते हैं सबकी, महिंद्रा ग्रुप नहीं खरीदा, बिजनेस करना है जा महिंद्रा ग्रुप ज्वाइन कर ले, जा ना, वो भी स्कॉर्पियो, महिंद्रा ग्रुप की लगभग असेट खरीद लिया हमने, स्कॉर्पियो नहीं खरीदी, सिर्फ बिच्छू कौन खरीदता है, हम तो नहीं खरीदते, मैक्सिमम सैलरी पॉलिटिकल पार्टी में, भाई साहब समाज सेवा है सर, एनसीपी में क्या बात है सर, समाज सेवा सर, सोशल वर्क, 6,000 रुपए से ज्यादा महीना नहीं दूंगा, 6,000 रुपए महीना, सारी सैलरी जमा करा, चल क्या क्या मिल रहा है वहां से बेनिफिट, चल पार्टी ने बना के भेजा ना तुझे, पार्टी प्रेसिडेंट मैं हूं बे, पार्टी का ओनर हूं, मैंने खरीदी, क्यों सोनिया गांधी जी, नेता बने रहना, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, समझ में आ गई, मैं बताऊंगा ना मैं हूं कौन, चल थैंक यू दारा जी, आपने सैलरी जमा करा दी, बहुत खुशी की बात है, एक सैलरी जमा कराई हो चाहे चार कराई हो, 6,000 रुपये महीने से ज्यादा नहीं दूंगा, बहुत है खाने के लिए, परिवार चला जा, जो मर्जी कर, मैं क्या करूं, दूध के दाम सस्ते नहीं होंगे क्यों, बक्के कहां जा रहे हो बे, बक्के कहां जा रहे हो, बक्के कहां जा रहे हो, अब भगियो मत कोई, बने रहना, समझ में आ गई, वाह भाई वाह, बिल्कुल है बिल्कुल है कह रहा 3 गुना सैलरी, हाँ सर सैलरी भी तो पूछ लो, 2,000 रुपये महीना है सर, वो सैलरी भी तो मैं ही दूंगा, वो सैलरी भी तो मैं ही दूंगा, वो 3 गुना ले ले, तो क्या हो गया, मैं क्या करूँ उसमें, आ जा आई लो में, वो साफ बोलते हैं
मैंने मैंने बोला ये लोग साफ साफ सर सोशल वर्क लिखा है सर, समाज सेवा में सर फिर भी सैलरी दे रहा हूँ सर, पार्टी के थ्रू गए ना, वो सैलरी कहाँ जाएगी? क्या तो अदालत ने कहा बिल्कुल जाएगी पार्टी में, इधर आ जा बेटा। क्यों तन समर्पित मन समर्पित, कहाँ से आया बे? मैं भी तो सुनूं तुम्हारी। चल साइन कराए सबसे, अब तक की सारी सैलरियां कहाँ है? वो तो जुए में हार गए। क्यों? वो तो जुए में हार गए। भारत को एक पॉलिटिकल पार्टी बना ले, बस एक पॉलिटिकल पार्टी बना ले। क्यों? एक पॉलिटिकल पार्टी बना ले और आराम से जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी में दो चार लड़कियां सप्लाई कर दे, एक सीट मिल जाएगी, हजारों रुपए सैलरी मिलेगी, पब्लिक के पैसे पे नाचोगे गाओगे, दूध के दाम सस्ते नहीं होंगे ना। क्यों है या नहीं है? कितनी सैलरी ले रहा राहुल गांधी अब तक? चल जमा करा, चल चल। और ये जो जंगली जैसा रूप बना रखा है ना, दबाओ, मीडिया में नहीं आएगा। अड़ास को राहुल गांधी को अकल नहीं तेरे? घर से आ, कपड़े पहन, फिर जा संसद में, काम कर, वापस आ, कपड़े उतार, चल चल। इनके आगे भोसड़ी वालों के हाथ जोड़ के पब्लिक घूमेगी, दूध के दाम कम नहीं होंगे, तुम्हारी मानी चोद दूंगा बहन के डंडों में, मैं असली वाला हूं बे। क्यों? पॉलिटिकल पार्टी बना के दे दी? ओ हो बाप रे बाप, मतलब ये कि पब्लिक को तो कुछ समझेंगे ही नहीं है, पब्लिक को तो कुछ समझेंगे ही नहीं। क्यों भैया, मुंह उठा के वकील बन गए और पहुंच गए अदालत? हाँ जी ऐसे कैसे बेटा, सौदा चैलेंज कर रहा, सोच लियो, पहली बार में ही कह रहे हैं। हाँ जज साहब, हाँ कहने से पहले भी कहेंगे पैसे रख दे यहाँ पे, जमा तलाशी करा लेंगे बेटा, मोबाइल जूता लत्ता कपड़ा सब वहीं रख लेंगे। समझ में आ रही है? हाँ कुछ भी किया ना, सारा पैसा पार्टी का, पार्टी तो अभी शुरू हुई है सर। समझ में आ रही है? मैं बनाता हूँ तुम्हें नेता, एक बढ़िया वाला नेता बनाऊंगा तुम्हें, तो समझ में आ गई? नहीं नहीं मैं बताता हूँ ना खेल क्या है। चल मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बकवास कर रहा है बे, कांग्रेस का ओनर हूँ, कांग्रेस का ओनर हूँ बे। चल कौन सी तारीख हो गई बे आज? 11 तारीख है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से झट सैलरी मिल जाती थी, क्यों? हाँ मीडिया में शोर मचाने से पहले 100 बार सोच लिया भैया। ओ न्यूज चैनल में रत्ती भर भी नेगेटिव सोच रखी मेरे बारे में, हितेश नाम है मेरा, एडवांस रेजिग्नेशन लेटर साइन करा लिया करो इनसे। चल ओनर हुए, ओनर समझता है, बैठा अपना काम करता रहा, उनसे सवाल जवाब करना, मेरे से क्या पूछ रहा है? मेरे से क्या कह रहा है? जिसको बुलाया उससे सवाल जवाब करना, मेरे से क्यों? हम नहीं सुनते भाई तुम्हारे जैसों की। दुनिया न्यूज, चलो उठो भैया, ओ जाओ घर।
मुझे कह रहा देख लेगा, कह रहा आजा मीडिया में बैठ। मैं और कहाँ बैठा हूँ फिर, उतने तो सवालों के जवाब दे ही रहा हूँ मैं। जानते हैं 2022 में कम से कम मैंने जो है 70 सवालों के जवाब दिए हैं पाकिस्तानी मीडिया के। इंडियन मीडिया का तो नंबर आया नहीं अभी, इंटरनेशनल और मीडिया को इंक्लूड, CNN, IBN सबके जवाब दिए मैंने, बिल्कुल दिए, तुम्हें पता नहीं लगा है? पता नहीं लगा तुम्हें? हम नहीं सुनते किसी की। पॉलिटिकल पार्टी में आओ, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। समाज सेवा है सर, सोशल वर्क, हाँ तो सोशल वर्क करो। तो मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो सिर्फ इतना बता दिया कि एक महिंद्रा ग्रुप छोड़ के, महिंद्रा ग्रुप की असेट तो खरीद ली, स्कॉर्पियो कंपनी छोड़ के बाकी सब खरीद लिया है। तू चला ले स्कॉर्पियो कंपनी, बिच्छू से तू जाके भिड़ ले, मैं क्यों जाऊं। देखते हैं कितना बड़ा ग्रुप है। और यहाँ JDU उड़ता हुआ तीर तू ले ले। सानी भाई सबकी सैलरी सैलरी चाहिए, JDU ज्वाइन कर लिया, JDU जनता दल यूनाइटेड, तो ही पार्टी, नहीं तो पार्टी में नहीं रहने दूंगा, बाहर निकल जाए ऐसे। अरे समाज सेवा है यार, पार्टी में आके पैसा देते हैं, अबे लेते थोड़ी है। अबे हम तो टोटों से भी काम चला लेंगे, हम तो बजी भी बजा लेंगे, हमने चोचले पाले ही नहीं, हमने तो चोचले पाले ही नहीं है, समझ में आ गई? हम तो चोचले पाले ही नहीं है, अपनों का तो जूठा भी खा लेंगे, समझ में आ गई? दुश्मनों का तो दिया हुआ भोग नहीं खाते हम, अपनों का तो जूठा भी खा लेंगे, दुश्मनों का तो भोग भी नहीं खाते हम, समझ में आई? बस याद रखना मैं असली वाला हूं भाई। वाह भाई वाह, हमने तो एक ही बात सोची अपनी जिंदगी में, बहुत सीधी सी, ठीक है ना, करके दिखाओ। अब कर ले चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में, आ जा, उससे नीचे किसी अदालत में चैलेंज नहीं होंगे ये सौदे, ट्राई तो कर। ये नहीं मीडिया में आकर के बात कर ले, पहले पुलिस परमिशन ले लियो, तो पुलिस वाले मारेंगे बहुत, ठीक है, पेमेंट उनको मैं कर रहा हूं ना। अब बिल्कुल किसी भी समय, मैंने स्वाट की बात हुई, मेरी स्वाट से कल बात हुई है, उन्होंने मेरे को बोला कि सर 2.5 लाख कमांडोज हैं हमारे पास, क्या हम आपको दे, मैंने कहा 2.5 लाख नहीं 25 लाख चाहिए मेरे को, 8 लाख बोले उन्होंने, मैंने मुझे 25 लाख बंदे चाहिए स्वाट के। वो कह रहे सर नौकरी छोड़ के ही आ जाए, मेरी तेरी मर्जी है, जब मर्जी आ जा, 25 लाख बंदे चाहिए मुझे, सीधी सुथरी बात है, स्वाट लग चुकी है संसद भवन में, सोच समझ के बोलियो भैया, तो प्यार कहते प्यार से जो है ना बाहर घुमा के लाएंगे, आइए सर प्लीज उधर समा चले जाइए सीधा, वो निकलेगा वहाँ पिछले गेट पे, बेटा पार्किंग तक भी नहीं पहुंचेगा, पार्किंग में भी गाड़ी खड़ी रह जाएगी, अगर रत्ती भर भी मेरे बारे में कुछ बोला तो। समझ में आई नहीं? समझ में आई? हाँ ऐसे गेट से निकालेंगे ना बेटा, पार्किंग तक भी नहीं पहुंचेगा।
जिस रास्ते तुम चल रहे थे उस रास्ते चलते रहो। रोका किसने? रोका किसने? समझ में आई? रोका किसने? बस सिंपल, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। सौदे मेरे हैं, पैसा मेरा है, पर हाँ मीडिया में बैठे भैया अपनी जो मर्जी बहस कर, अगर फायरिंग मेरी तरफ सोची, समझ में आ गई, प्यार से एकदम प्यार से टैकल करना है सर, प्लीज आइए, और ऐसे गेट से निकाल पार्किंग पे भी ना पहुंचे, गेट आउट सर प्लीज, आप जा सकते हैं सर। अंग्रेजी में सर गेट आउट ही बोलेंगे? नहीं नहीं गेट आउट सर। समझ में आई? इतना आसान नहीं होता। पाकिस्तान बना रहा है हमें, हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है, क्यों हमें क्या मतलब है? बस इतनी सी बात। पॉलिटिकल पार्टी जो है ना पैसा कमाने का अड्डा नहीं है। जा बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आई?